प्रदेश में कोरोना महामारी का प्रकोप बढ़ता जा रहा है। संगरोध केंद्रों पर व्यवस्था ठीक नहीं होने की वजह से वहां रखे गए लोग दुखी हैं। इतने दिनों में भी सरकार इन केंद्रों की व्यवस्था चाक चौबंद नहीं कर पाई है। अव्यवस्था का आलम है, जिसके चलते लोग इन केंद्रों में ठहरने से कतरा रहे हैं और संक्रमण का खतरा अधिक बढ़ रहा है। सरकार ने अब अध्यापकों को भी इन केंद्रों में ड्यूटी पर भेज दिया है, जबकि इनके पास कोई सुरक्षा के पूर्ण प्रबंध नहीं है। बिना पीई किट के और सुरक्षा किट के अध्यापकों को इन केंद्रों पर भेजना किसी खतरे से खाली नहीं है। इन अध्यापकों ने अभी मिड डे मील भी बांटना है। अगर इनको कोई खतरा हुआ है और ये चपेट में आए तो सारा शिक्षण विभाग खतरे में पड़ जाएगा। ये आरोप हिमाचल प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता दीपक शर्मा ने लगाए हैं। शर्मा ने कहा कि सरकार सोशल मीडिया तक सीमित ना रहे, गंभीरता के साथ व्यवस्था संभाले, वरना अगर इस महामारी ने विकराल रूप धारण कर लिया तो इसके लिए प्रदेश सरकार जिम्मेवार होगी। प्रदेश में कोरोना महामारी का खतरा बढ़ता ही जा रहा है। सरकार से हमारा निवेदन है कि जो क्वारंटाइन सेंटर्स हैं उनकी व्यवस्था ठीक की जाए। वहाँ से जितनी शिकायतें आ रही हैं, जो लोग ठहर रहे हैं उन लोगों को बहुत शिकायतें हैं, ना वहाँ पर ठहरने का व्यवस्था ठीक है, ना उनको सैनिटाइज ढंग से किया जा रहा है, और वहाँ पे लोग ठहरने से डर रहे हैं, जिसकी वजह से वो अपने घरों को जाने के लिए लालायित नज़र आ रहे हैं, और उसकी वजह से संक्रमण जो है वो बढ़ रहा है। सरकार से हमारा निवेदन है कि इस व्यवस्था को चाक चौबंद करे। एक और सरकार ने जो फरमान जारी किया है कि अध्यापकों को भी उन क्वारंटाइन सेंटर में लगाया जा रहा है, हमारा विचार ये है कि सरकार को उन अध्यापकों को नहीं लगाना चाहिए। कारण यह है कि उनको अभी तक ना तो पूरी सुरक्षा व्यवस्था किट या पीपी किट या अन्य व्यवस्था उनके पास है, और फिर अगर उनमें से खुदा ना खास्ता अगर किसी को कोई संक्रमण हो गया तो उससे जो है उन लोगों से आगे शिक्षा विभाग में स्कूलों में उन्होंने जाना है, अभी उन्होंने जो है वो मिड डे मील बांटना है। ऐसे व्यवस्था में जिन्होंने लोगों से मिलना है, पब्लिक डीलिंग जिनकी ज़्यादा है, उन लोगों को अगर आप वहाँ पर लगाएंगे तो उससे जो है वो बहुत ज़्यादा नुकसान आगे होने का खतरा बढ़ जाता है। आज लगता ये है कि ये कोरोना महामारी जो है वो विकराल रूप धारण करने की ओर जा रही है, इसलिए हम यही निवेदन करेंगे सरकार से कि सरकार गंभीरता दिखाए। ये जो फिजूल के काम साथ में कर रहे हैं कि कर्मचारियों के ट्रांसफ़र्स कर दी, या अधिकारियों को डरा दिया, या मीडिया कर्मियों पे जो कमियां गिना रहे हैं उनके ऊपर केसेस बना दिए, ऐसे फिजूल के कामों को छोड़कर सरकार गंभीरता दिखाए और गंभीरता के साथ इसके ऊपर आज की तिथि में संपूर्ण राज्य के लोग जो हैं वो पूरा सहयोग समर्थन दे रहे हैं। लेकिन सिर्फ आप अपनी ड्यूटी ये मत समझिए कि हमने क्वारंटाइन का जो है वो पीरियड आगे बढ़ा दिया तो हमारा काम ख़त्म हो गया। बहुत गंभीरता के साथ सरकार को काम करना होगा और ये गंभीरता कम नज़र आ रही है। हम सरकार से निवेदन करेंगे कि आप गंभीरता दिखाएँ और जो सही करने वाले काम हैं उन लोगों को आप जो हैं वो सभी जितने क्वारंटाइन सेंटर हैं उनको चाक चौबंद करें और व्यवस्था को ठीक करें, ताकि इस महामारी को विकराल रूप धारण करने से रोका जा सके।